दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरोना के बारे में, उसके प्रिकॉशंस क्या है, कौन सी वैक्सीन है, कौन सी अवेलेबल है, क्या कंडीशंस में आपको लेनी चाहिए वैक्सीन, कौन सी कंडीशन में आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। व्हाट इज कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस इज इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। ये वायरस पैट से हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल, और वुहान में हुआ था, चीन में हुआ था, सबसे पहले वहां पे डिटेक्ट हुआ, उसके बाद में ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोविड? इसको कोविड क्यों कहा जाता है? कोविड, को फॉर कोरोना, वी फॉर वायरस, डी फॉर डिजीज, एंड इट इज एंटर्ड इन 2019, सो इट इज कॉल्ड एज कोविड 19। वॉट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स है लाइक फीवर है, बॉडी एक है, हेडेक है, सोर थ्रोट होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ सेंस होते हैं, सोर थ्रोट होता है। सो दीज आर सम सिम्टम्स, सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक जो जिसकी बॉडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट सिम्टम्स दिखाती है, लाइक उसको फीवर आ गया, हेडेक हो गया, या चार पास जैसे आ रहा है, जा रहा है फीवर, उसको हम टेस्ट में डिटेक्ट कर सकते हैं उसको कोविड है या नहीं। और सेकेंड होते हैं असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक मतलब जिसकी बॉडी कोई रिएक्ट नहीं करेगी, उसकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो वायरस का अफेक्ट नहीं करता, बट वो पर्सन नेक्स्ट पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। लाइक इफ एक्स वाई जेड को उसने कॉन्टेक्ट किया किसी कोविड के साथ में और उसे कोविड हो चुका है, अगर कोविड हो गया है बट उसकी बॉडी में कोई सिम्टम्स उसको दिखाया ही नहीं है, लाइक उसको फीवर नहीं, नथिंग, कोई सिम्टम्स नहीं है, बट एट टाइम ऑफ उसको दूसरों को लेकिन अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज वो एक कैरियर का काम करता है। प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए? आई थिंक सबको पता है कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। आपको मास्क पहन के बाहर जाना है, सेकंड आपको हैंड सैनिटाइज करते रहना है, दो चार घंटे में आपको हैंड वॉश करना है, उसके बाद में एक सोशल, एक डिस्टेंस पे आपको किसी दूसरे के साथ बात करनी है, और लोकल गैदरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। सो आपको लुकवार्म पानी पीना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, लाइक सो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ती है, इम्यून पावर बढ़ता है, वैसी चीज़ों को हमें रेगुलर डे टू डे लाइफ में लेना चाहिए। एज द सिचुएशन अगर कोई बाहर जाता है तो प्लीज़ उसको बोलो कि आने के टाइम पे एक टाइम पे स्टीम जरूर ले, जितना हो सके उतना स्टीम लेने की कोशिश करें, प्लीज लेना उसको जरूरी है। सो दिस इज द सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोरोना वायरस। तो अब हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन इट इज अ सर्टेन सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस, एंड वैक्सीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वीकेंड और डेड माइक्रोब्स, उसको हम वैक्सीन बोलते हैं। तो कोरोना वायरस की इंडिया में दो वैक्सीन अवेलेबल है। हाउ इट वर्क्स? वैक्सीन वर्क कैसे करती है? ये इट प्रोड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ सर्टेन डिजीज एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स टू द SARS-CoV-2 वायरस फेज 2, एंड इससे क्या होगा कि आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी और उससे होने वाले जो डिजीजेस से होने वाले सिम्टम्स हैं वो कम होंगे और आपको एक प्रोटेक्शन उसके मिलेगी। इंडिया में टू टाइप्स के वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। सो दीज आर टू वैक्सीन आर अवेलेबल इन इंडिया। टू टाइप्स के वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। सो विच वन इज बेटर? बोथ वैक्सीन आर डेवलप्ड इन द सेम मैनर, डिफरेंस इतना ही है दोनों में कि कोविशील्ड पासेस ऑल द स्टेज एंड कोवैक्सीन इज स्टिल इन द लास्ट केस ऑफ स्टडीज। सो दोनों में से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में से जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं और गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट। दो डोसेस अवेलेबल है, दोनों डोसेस को आपको लेना जरूरी है। द वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द सीरियस इफेक्ट्स ऑफ द कोविड। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन वैक्सीन। तो अब किसको वैक्सीन लेना नहीं चाहिए, किसको वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, हु शुड नॉट टेक वैक्सीन? जिसको भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, लाइक जो भी वैक्सीन के जो भी इंग्रेडिएंट उनसे किसी को अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो उसको वैक्सीन लेना नहीं चाहिए। हु शुड गेट वैक्सीनेटेड? किसको वैक्सीन लेने चाहिए? जो भी 65 प्लस है या फिर जिसको हेल्थ कंडीशंस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बीपी है या एनी अदर हेल्थ कंडीशंस है, उन लोगों को वैक्सीनेशन श्योर शॉर्ट ले लेना चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जाके आपको वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। सो आपको वैक्सीन लेना सबसे ज्यादा मैनेज्ड है, आपको वैक्सीन लेना ही चाहिए। आप प्लीज जो भी जिसको भी हेल्थ इश्यूज है प्लीज गो एंड फर्स्ट वैक्सीनेटेड। नाउ एट दिस स्टेज आप सभी को वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको लेना जरूरी है वैक्सीनेशन। इससे क्या होगा कि आपकी जो कोरोना से होने वाले जो सिम्टम्स, जो सीरियस सिम्टम्स है ना, वो आपको नहीं होंगे। लाइक आपकी बॉडी इतना इम्यून गेन कर लेगी कि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ सकती है।
वैक्सीनेशन करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, एक पेशेंट काफी सीरियस के स्टेज में चला जाता है, किसी पर्सन को कोरोना हो गया है और उसने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उसकी बॉडी उस वायरस से लड़ नहीं पा रही है, तो उसको बोलते हैं सीरियस होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि बॉडी वैक्सीनेटेड है, आपने वैक्सीनेशन किया है, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और प्रिवेंशंस होते हैं, आपको डेफिनेटली वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो आई थिंक सबको वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। तो वैक्सीनेशन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये नॉर्मल है। वैक्सीनेशन करते हैं तो वहाँ पे साइट ऑफ इंजेक्शन में आपको पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, तो ये नॉर्मल। जो बचपन में भी हमें वैक्सीनेशन किया जाता है तो दैट टाइम पे भी डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको फीवर आने के चांसेस हैं, सो इट्स बेटर टेक अ पैरासिटामोल। तो इसमें भी वही केस है, आपको फीवर हो सकते हैं, बॉडी कर सकती है, किसी की बॉडी में ज्यादा अफेक्ट भी कर सकता है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती तो सबके सिम्टम्स एक जैसे नहीं हो सकते, तो इट कैन बी अफेक्ट, बस सीरियसली नहीं होता है, नॉर्मल है, सबको होता है। फीवर आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए सो जिससे आपका फीवर कम हो जाए और उतर जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।